चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको ब्रेक के बाद बताते हैं। त्योथर से मिल रही है किसानों की समस्याओं को लेकर। आपको बता दें कि एसडीएम ऑफिस पर विधायकों का ये धरना है, विधायक का धरना है। विधायक श्यामलाल द्विवेदी धरने पर बैठे हुए हैं। धान खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। एसडीएम कार्यालय के बाहर विधायक धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की धान खरीदी नहीं होने की वजह से परेशान किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्यामलाल द्विवेदी का ये धरना है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, सरकार बदलने के बाद आपको बता दें पार्टियों की प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। जो कभी किसानों के हित में जो सोचा नहीं करते थे, आज किसानों के हितैषी बने हुए धरना दे रहे हैं। अरविंद द्विवेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। क्या ताजा स्थिति अभी बताई जाती है? धरना लगातार जारी है? नहीं, धरना मैडम अभी तो लगातार जारी है। किसानों का धरना जो विधायक जी के समर्थन में किसान लोग जुड़े हुए हैं, तो धरना लगातार जारी है। कब तक चलता भी अभी तो कोई निश्चित नहीं। एसडीएम ने मुलाकात की विधायक से? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ और मांगे हैं? धान खरीदी केंद्र जो है, धान किसानों को भी काफी मात्रा में पड़ी हुई है। ये बारिश के कारण किसान की धान नहीं खरीदी हो पाई है, तो इसलिए आज 20 तारीख डेट खत्म हो चुका है धान खरीदी केंद्र का, जिसलिए बढ़ाते आने के लिए किसानों के साथ यही दिक्कत है। तो तत्कालीन सरकार में भी आया करती थी, जब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी तब भी यही दिक्कतें होती थी। विधायक साहब ने तब भी धरना दिया था कभी? नहीं नहीं, तब तो विधायक धरना नया तो नहीं दिया था। 15 साल सरकारें थी तो कुछ नहीं, लेकिन इसमें कांग्रेस की सरकार थी, उसके विपक्ष में जो है हमारे विधायक जी धरना दिए हुए हैं। चलिए ठीक है, विधायक साहब से जरा पूछिएगा कि सरकार बदलते ही और विपक्ष में आते ही क्यों प्राथमिकताएं बदल जाती हैं? केंद्र सरकार से जब राज्य सरकार सहयोग मांग रही है तो केंद्र सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। तो लगातार हम आपको बता दें कि विधायक श्यामलाल द्विवेदी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनसे भी हम जान लेते हैं कि एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया है कि किसानों के हितैषी बन के धरने पर बैठ गए हैं। उनसे सवाल ये भी किया जाना चाहिए कि भाई जब राज्य सरकार केंद्र सरकार से सहयोग मांग रही है तो उस धरने में भी क्या वो बैठेंगे? जब कांग्रेस जो प्रदर्शन करने वाली है राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन करने वाली है कि सहयोग नहीं किया जा रहा है, ये सवाल भी विधायक द्विवेदी से बड़ा लाजमी हो जाता है। तो किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं, एसडीएम कार्यालय के बाहर अपने समर्थकों के साथ स्थानीय लोग किसान के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। श्यामलाल जी, बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद जी। श्यामलाल जी, पहले तो बहुत आभार कि आप किसानों के हित में उनके हितैषी बनके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतों का अंबार है। जब से खरीदी केंद्र खरीदी का तारीख नियत हुई तो सहकारिता विभाग के कर्मचारी सभी हड़ताल पर रहे, और नियत तिथि के 10-15 दिन बाद जब खरीदी शुरू हुई तो बार दाना नहीं था। इसी कदर एसडीएम कलेक्टर कमिश्नर से लड़ने के बाद बार दाना आया तो 12 दिसंबर की रात में भयानक तूफानी वर्षा हुई, नदी नाले बह गए, ओले पड़े, पेड़ गिर गए। ऐसी हालत में खरीदी का काम बंद हो गया, लगभग 8 दिन बंद रहा। जब फिर शुरू हुआ तो 3 जनवरी को, खैर वो तो प्राकृतिक आपदा रही द्विवेदी जी, लेकिन अभी जिस तरह से आप धरने पर बैठे हुए हैं उसको लेके क्या एसडीएम से आपकी बातचीत हुई, जिला कलेक्टर से आपकी बात हुई? आशय धरने में बैठने का ये था कि किसानों की धान अभी घरों में डंप है, खरीदी केंद्र में नहीं आई, इसलिए कम से कम 15 फरवरी तक तिथि बढ़ाई जाए, ठीक है, और बारदाना दिया जाए।
शासन प्रशासन से बात किया, ये झूठी बात करते रहे जिसके कारण किसानों से। लेकिन द्विवेदी जी, राज्य सरकार कह रही है, द्विवेदी जी राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार से लगातार सहयोग मांगा जा रहा है, पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार भी सहयोग नहीं कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और नेताओं और सांसदों से भी अपील कर रही है कि भाई आप लोग भी सहयोग स्वरूप धरना दे, प्रदर्शन करें। तो क्या उस सहयोग के लिए आप लोग बैठेंगे राज्य सरकार के साथ धरने पर? राज्य सरकार के साथ धरने पर बैठे सहयोग क्या करेंगे, हम तो विरोध में बैठेंगे। केंद्र सरकार इनको बराबर सहयोग दे रही है। आदरणीय कमलनाथ जी उसकी अनदेखी करके उल्टा पुल्टा काम शुरू किए हैं। किस तरह का उल्टा काम द्विवेदी जी बताइए ना, दो चार काम उल्टे बताइए कमलनाथ जी के। कमलनाथ के काम उल्टे, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी जब थे, उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 25 से 30 हजार, तो कमलनाथ जी ने तो 51 हजार राशि कर दी है द्विवेदी जी, 52 हजार कर दिया। एक भी किसी हितग्राही को हमारे यहाँ एक भी पैसा नहीं मिला। और ये जो योजनाएं थी, संबल योजना, संबल योजना के अंतर्गत मृतक परिवार को 5,000 रूपए देने का प्रावधान माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया था। आज दर दर भटक रहे हैं। ठीक है, लेकिन द्विवेदी जी आपको मैं एक चीज और बता दूं कि मामा की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी लाडली लक्ष्मी, उसमें जब बच्ची के जन्म पर जिस तरह से जो राशि दी जाती थी, लेकिन उसमें भी कई ऐसे टेक्निकल फॉल्ट थे कि अगर किसी की पहली डिलीवरी में अगर ट्विंस में अगर दो बच्चियां हो जाती हैं तो उनको भी लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलता था। ऐसा नहीं है, सरकार को मैंडेट 5 साल के लिए मिला हुआ है, थोड़ा इंतजार कीजिए। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से सहयोग की मांग कर रही है और केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो क्या इसके खिलाफ भी आप लोग धरना खोलेंगे, मोर्चा खोलेंगे? राज्य सरकार के विरुद्ध धरना खोलेंगे? केंद्र सरकार हमारी बराबर, राज्य सरकार को हर बिंदु सर, यही तो राज्य सरकार कह रही है, यही राज्य सरकार कह रही है हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो एक प्रोपोगंडा के तहत काम कर रहे हैं, वो तो सहयोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे असत्य के अलावा, कमलनाथ जी असत्य के अलावा सत्य बोलेंगे ही नहीं सर। यही आरोप तो कांग्रेस पार्टी भी लगाती है सर, ऐसा नहीं है, यही आरोप लगा रही है। खैर, हालांकि हम चाहेंगे कि एसडीएम से तुरंत आपकी तत्काल प्रभाव से मुलाकात हो, क्या आश्वासन आपको मिलता है, जिन समस्याओं के को लेके आप बैठे हुए उन समस्याओं का त्वरित निराकरण हो, जिसकी वजह से किसानों को फायदा हो, तो आपका धरना सार्थक होता है, सफल होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।